Yes, ma'am. Yes, बोलो. X equal to 2s minus 2a square. X is equal to minus 2a square. नहीं बता. हाँ नहीं नहीं ये खत्म नहीं हुई. फिर minus 2b square minus 4ab upon minus 2 2b ना minus रहा तो 2x square क्या आगे. फिर से बोलो. फिर से x is equal to minus 2a square minus 2b square. नहीं minus नहीं. हाँ plus positive 2a square. Okay. माइनस फोर ए बी आगे माइनस फोर ए बी अपॉन माइनस टू बी माइनस टू बी ये यस मैम ये एक्स की वैल्यू है. यस मैम मुझे इक्वेशन बता दो केशव क्या थी. मैंने बनाई थी ए माइनस बी होल एक्स फिर माइनस ए प्लस बी होल एक्स फिर इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी. ये इक्वेशन मुझे अजीब नहीं लग रही. मतलब हम बाय नहीं हम एक्स है हम एक्स है दोनों साइड है. हम बाय तो कैंसिल हो गया. बाय तो कैंसिल हो जाएगा ना. काम फिर मैं उसको माइनस कर दूंगा है ना. मुझे तुम इक्वेशन बोल दो. इक्वेशन क्या थी पहले. अच्छा ओ एलिमिनेट करने से पहले. हाँ हाँ एलिमिनेट पूरा क्वेश्चन ही जो स्टार्टिंग से था. अच्छा ओके एक सेकंड मैं बोल लेता हूँ. Yes, ma'am. A minus B whole X plus A plus B whole Y equal to 2A square minus 2B square. Our next value is A plus B into X plus Y whole. No, no. No, ma'am. Aise bracket mein. AB. Yes, ma'am. Equal to 4AB. 4AB. Achha, theek hai. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं. यस मैम भी रहा ऐसे करा a plus b x plus a plus b y. तो हम फिर पूरे को मैंने माइनस कर दिया. तो दोनों को सबट्रैक्ट करोगे. यस मैम तो हाँ y वाला कैंसिल हो जाएगा और इधर आएगा. इधर आ जाएगा आपका a plus b और माइनस ये a plus एक सेकंड अगर मैं लिख ही लूँ तो आप क्योंकि दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस b और फिर माइनस साइन के साथ a प्लस b और होल ये x आ जाएगा इज इक्वल टू आपका होगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 4ab. ये होगा. यस मैम है ना. अब यहाँ पे देखो b और b कैंसिल हो जाएगा और मैंने, यहाँ पे आपका मैंने पता क्या किया मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट तो मैंने ए एक्स माइनस बी एक्स फिर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स 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 कट गया. एक सेकंड एक सेकंड ए और ए कटेगा सही तो है. ए और ए कटेगा बी नहीं कटेगा माइनस टू बी एक्स बचेगा. माइनस टू बी एक्स होगा और इज इक्वल टू ये होगा टू ए स्क्वायर ऐसा वही दिया वही आएगी फिर इक्वेशन. एक्स इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी. यस मैम कौन आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस. तो क्या ये आंसर नहीं आ रहा है क्या. हाँ सिंपलीफाई नहीं करना उसको. नहीं कोई जरूरत नहीं क्योंकि अगर ये टू बी स्क्वायर पॉजिटिव होता देन हम कुछ सोचते भी आगे. अच्छा ओके तो हम माइनस ऊपर चला जाएगा तो फिर पूरी इक्वेशन को हम कर सकते हैं ना सीधा. कोई जरूरत नहीं है केशव अभी इसको और सिंपलीफाई करने की. इफ यू वांट दैट यू कैन कॉमन टू टू कॉमन ले लो बस. हां टू कॉमन ले लो तो ये आपका बन जाएगी यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab.
अपॉन और बी अपॉन में आपका आ माइनस जाएगा बी, सिर्फ बी। ठीक है, अच्छा माइनस टू, ठीक है। अब अगर एक चीज और सिंपलीफाई अगर तुम्हें करना ही है तो तुम ऐसे जरूर लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस माइनस टू बी स्क्वायर और अपॉन बी। ठीक है, ओके बी तो क्या होगा, इसको आप करके होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का हाँ होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ 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 माइनस ए माइनस बी होल टू बी स्क्वायर और ये स्क्वायर, माइनस टू बी स्क्वायर हाँ अच्छा और ठीक है, अपॉन में बी, ये ऐसे लिख हाँ सकते हो ओके, फिर भी, यस इतना मैम, सिंपलीफाई हो सकता है, समझ आया। यस मैम, और फिर चाहो तो एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ओके मैम, पर क्या ही करना, इतना ठीक है ना। यस मैम, और अब इसी की वैल्यू अगर पुट करोगे आप वाई की भी मतलब वाई में भी आ जाएगी आंसर, वाई की भी वैल्यू आ जाएगी, ओके कर मैम, दो इसके आगे। हाँ, ठीक है मैम, बता दो, देख लेता हूँ, क्या बोल रहे हो कृष्ण, यस मैम बता दो, बता दो। हाँ ठीक है, तो एक्स आपका ये आया था और आपकी इक्वेशन थी, मैं इसको रख कर देती हूँ फिर इसी जगह पे, इसी पेज में बता दो। अब आप वाई की जगह पे अगर वैल्यू प्लेस भी कर एक्स की वैल्यू पुट करो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे वाई पूरे के डिनोमिनेटर में ये ए प्लस बी आ जाएगा, अगर मैं इस पूरे के डिनोमिनेटर में अगर लेके आऊं तो ये माइनस ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हटा दूं अगर इसको केशव, है ना। अब कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर लो, वही चीज है सेम, सिंपलीफाई ओके मैम, करना पड़ेगा इसको। अगर यस मैं मैम, इसकी जगह लिख भी लूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस टू बी स्क्वायर, ऐसे करके अगर लिख लूं तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे इसका क्यूब में आएगा, क्यूब में आएगा आंसर। यस मैम, आंसर क्या आ रहा है इसमें, मैंने ये सॉल्व नहीं किया, मैं वही अटक गया था ना, मैंने सोचा कि और सिंपलीफाई होएगा, नहीं नहीं, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक में है, कहाँ मैम, से कर रहे थे। अच्छा, आपने दिया था, मैंने दिया था, यस इस मैम, टाइम तो मेरे पास बुक भी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये तो थोड़ा सा सिंपलीफाई होगा क्योंकि इतना नहीं होगा यहाँ पे, क्या करें यहाँ पे। अभी देखो एक चीज बस यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी लग मतलब जाएगी नहीं होगा, कोई आपने, मतलब नहीं होगा और सिंपलीफाई करने से। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं, अच्छा रुको यहाँ पे, ठीक है ये आंसर यहाँ पे करोगे तो बहुत ट्रिकी है, हम इसको दूसरे मेथड से एक बार सॉल्व कर लेते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, ए प्लस बी था और यहाँ पे क्या था, केशव वापस से मुझे बोल दो एक बार इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करूँ, ज्यादा अच्छे से आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर चेक कर लूँ क्या रहा, कि एलिमिनेशन मेथड से भी बता ही देंगे। हाँ कौन सा वो वाली क्वेश्चन जो, हाँ ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी होल एक्स, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी, फोर ए बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम कर ले तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स अपॉन बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू, वाई अपॉन आपका हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू एंड वन अपॉन हो जाएगा बी वन अपॉन बी टू, यानी एक्स अपॉन आ जाएगा आपका बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन इज इक्वल टू वाई अपॉन आ जाएगा सी वन इंटू ए टू माइनस सी टू इंटू ए वन, सी टू इंटू ए वन और वन अपॉन में आ जाएगा ए वन इंटू बी टू बी वन इंटू ए टू। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दे, एक्स अपॉन ए वन बी वन है आपका यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ, सी टू के साथ, सी टू है आपका, देखो इसको इधर लेके आओगे तो माइनस फोर ए बी होगा है ना। हाँ अब माइनस साइन के साथ, फिर इसके बाद बी टू आपका एक्स प्लस ए प्लस बी होगा मल्टीप्लाई होगा आपका सी वन के साथ, सी वन भी इधर आएगा तो माइनस माइनस टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट में है, ठीक है मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू आपका वाई अपॉन हो जाएगा यहाँ पे वाई है आपका सी वन, सी वन फिर अगेन वही हो गया माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर इंटू विथ ए टू, ए टू आपका ए प्लस बी है और माइनस सी टू आपका माइनस फोर ए बी है और ये प्लस हो जाएगा फोर ए बी है ना, और फिर आपका ए वन है ए माइनस बी, फिर वन अपॉन में आप लिखोगे ए वन है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी और फिर उसके बाद बी टू है आपका एक्स प्लस वाई ए प्लस बी और माइनस बी टू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई है बी टू, ए टू ए प्लस बी है, बी टू तो एक्स प्लस वाई है, नहीं बच्चे ए प्लस बी होल मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई है ना, तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ होगा बी टू इज बी टू इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई सेकंड इक्वेशन में है ना, तो फिर उसके बाद बी वन आपका हो गया ए प्लस बी, बी वन आपका ए प्लस बी है और फिर आपका यहाँ पे आ गया ए टू कितना है, ए टू फिर आपका ए प्लस बी है, ठीक है तो ये हो गया। वही वैसा ही आंसर आएगा, देख के ही लग रहा है फोर ए स्क्वायर बी अगर मल्टीप्लाई भी किया माइनस फोर ए बी स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस और फिर इधर हो जाएगा ए क्यूब टू ए क्यूब फिर माइनस ये आ जाएगा टू बी क्यूब टू ए बी स्क्वायर एंड देन फिर आपका आ जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर बी एंड फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस टू बी क्यूब, ठीक है ये तो ए आ गया, कुछ कैंसिल होगा, देखो ये और ये इससे इस वाले से सब्ट्रैक्ट होंगे, बस एक से सब्ट्रैक्ट होंगे और दूसरा तो ऐड हो जाएगा बी स्क्वायर वाला है ना केशव। अब यहाँ पे वन वाले को इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, इधर आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से वन अपॉन आएगा माइनस टू बी स्क्वायर माइनस टू ए बी,
वन अपॉन आ जाएगा, आप यहाँ से टू बी कॉमन लोगे, माइनस टू बी कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आपका बी प्लस ए आ जाएगा, है ना, यस मैम। बी प्लस ए। और यहाँ पे आप अगर सॉल्व करोगे इधर, तो एक्स अपॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा टू ए क्यूब माइनस टू बी क्यूब, एंड देन फिर ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा ए स्क्वायर वाले से, तो आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बी एंड माइनस फाइव ए बी स्क्वायर, सिक्स सिक्स हो जाएगा। यस मैम। इसमें से पूरा टू कॉमन लोगे दूसरी साइड वाले, तो आपका एक्स अपॉन आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी और माइनस थ्री ए बी थ्री स्क्वायर ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वन अपॉन माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। यस मैम। नहीं अच्छा हाँ अब बस एक्स को उसके ऊपर शिफ्ट कर दो। अब एक चीज देखना है हमें, क्या यहाँ पे ए प्लस बी वाला फैक्टर यहाँ से कॉमन होगा क्या एक्स वाले में, बस मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर मैंने ए कॉमन लिया इसको ए स्क्वायर को, तो स्क्वायर कॉमन लिया तो ए माइनस बी आएगा। यहाँ पे क्योंकि थ्री है इसलिए बस यही आएगा यहाँ पे केशव, ऊपर वाले एक्स वाले को भी सिंपलीफाई करोगे तो ऐसा ही आएगा जब उससे मल्टीप्लाई करो, है ना, इसी मैम। तरीके से आएगा आपका इसका भी आंसर। यस मैम। बस इस एक्स वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर देना, वाई को भी इसी से इक्वेट करा देना। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में मेरे पास बुक होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी ये करेक्ट आंसर क्या था, ओके मैम। है ना। अब इसके बाद आगे वाले अगर हम टॉपिक की बात करें, तो आगे क्या था कि हमने ये तीनों मेथड तो पढ़ लिए थे कौन कौन से होते हैं। अब जो मेन है इम्पोर्टेंट वो है अबाउट द लाइंस के बारे में, मतलब जो भी आप अभी पढ़ोगे ना, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशंस है वो लाइन जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, अबाउट द लाइंस क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप दोनों इक्वेशंस को शो कर रहे हो ऑन अ ग्राफ पेपर, है ना, ऑन अ ग्राफ पेपर आप शो कर रहे हो, तो केशव आपकी थ्री कंडीशंस होंगी, तीन तरीके की आपकी कंडीशंस होंगी, मतलब इक्वेशंस फॉर्म होंगी। फर्स्ट सेकंड आप जब भी करोगे रिजल्ट आप देखोगे। फर्स्ट क्या होता है, कभी कभी हमारी दो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपस में क्या होता है एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम बोलते हैं दीज आर द मतलब इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन, है ना, यस मैम। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब कभी कभी क्या होता है कि वो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग भी पैरेलल कर देती लाइंस। है, हम लोग फिर क्या बोल देते हैं ये पैरेलल लाइन है। और कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही कोइंसाइड कर देती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसाइड कर देती है, ठीक है। हाँ कोइंसिडेंट आपकी लाइन हो गई, ठीक है। तो ये यस थ्री मैम। रिजल्ट होते हैं। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट लाइंस क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। सिस्टम क्या होता है केशव, देखो कंसिस्टेंट होता है मतलब आपकी जो पेयर ऑफ अ लाइन है ना वो एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो दे, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब उनको अगर हम सॉल्व करें तो उनमें एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो हमें मिल जाए, और यहाँ पे क्या होता है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। अब ये कब होता है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ नो सोल्यूशन, ये क्या मतलब है, तो देखो
क्या होता है कि आप ही सोचो, यहाँ पे जो हमने पैरेलल लाइन बना दी, अच्छा देखो लाइन आंसर कब आता है, दो इक्वेशंस लाइक दिस हम जब सॉल्व करते हैं, और मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही रैंडम लिख दिया, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक्स और वाई का एक पर्टिकुलर आंसर आ जाता है ना? यस ये मैम, जो आंसर आता है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये रूट्स ही तो होता है बेटा। यस एक्स के मैम, प्लेस पे आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कहीं भी पुट करोगे, ये सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को, एक्स और वाई की दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? तो मतलब क्या है कि ये जो एक्स वाई का वैल्यू है ना, ये दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन है, मतलब फॉर फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सोल्यूशन है एंड सेकंड इक्वेशन के लिए भी है ना? यस मैम, ये हुआ। और फिर क्या होता है, कभी कभी कई तरीके के और बहुत ज्यादा ऐसे सोल्यूशन होते हैं एक्स वाई के, मोर देन वन होता है आपके, और इनफिनिट कभी कभी सॉल्यूशंस। बिल्कुल सोल्यूशन नहीं होता जो हमने पैरेलल लाइन में बताया। यस मैम, तो जो अब लाइंस के थ्रू अगर मैं बताऊं, तो जब तुम ग्राफिकली लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी लाइन जैसे मैंने बोला कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है वन एक पॉइंट सॉल्यूशन। पे, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से क्या आपको दिखा केशव, कि जो ये लाइन आ रही थी ना और ये लाइन, दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, विच इज अगर मैं इसको पी कंसीडर कर लूँ, ये पी, अब ये जो पी पॉइंट है ये इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। यस मैम, दिस इज द कॉमन सोल्यूशन एंड दिस इज द यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जो यूनिक दोनों के लिए यूनिक सॉल्यूशन है, या वन सोल्यूशन, ठीक है, ये यस वन मैम। सोल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में सोल्यूशन कैसा होता है बेटा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे अब वन वापस से ये सॉल्यूशन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना? एक यस पॉइंट पे मैम। इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्टिंग लाइन है वह वन सोल्यूशन और यूनिक आगे सोल्यूशन। कंसिस्टेंट बोलेंगे इनको। हाँ अब देखो इनका वन सोल्यूशन आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा था एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो सो दीज टाइप ऑफ लाइन आर कॉल्ड कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। यस अब मैम। अगर एक बात आ गई कि दो लाइन कभी भी एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, तो सोचो पैरेलल बेटा नो जब कभी ये एक सॉल्यूशन दूसरे को मीट ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा, है ना? यस ये मैम, तो अलग हो जाएंगे, इनके अलग इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इसके इनकंसिस्टेंट। अलग इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, दोनों का कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं, यस मैम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नो सोल्यूशन। क्या होता है नो सोल्यूशन, क्योंकि जब ये एक दूसरे को, देखो सोल्यूशन बहुत होंगे, अलग अलग बहुत होंगे, पर यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशंस को साथ में डील कर रहे हैं, तो दोनों का यस मैम, कॉमन सोल्यूशन चाहिए हमें, और पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, है ना? यस मैम, अलग अलग तो बहुत होंगे, एक सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मतलब जितनी एक्स की वैल्यू पुट करोगे वाई के उतने ही मैक्सिमम रिजल्ट होंगे, पर जब दो लाइन साथ में सॉल्व करते हो तो उनका एक जो कॉमन पॉइंट होता है वही उनका सोल्यूशन हो जाता है, समझ रहे हो? यस मैम, हाँ हमें तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कभी लाइन चाहिए। इंटरसेक्ट, हाँ तो ये पैरेलल लाइन होगी और तो ये नो सोल्यूशन और ये इनकंसिस्टेंट होगी, नो सोल्यूशन। फिर इसके बाद आ जाते हैं, फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, टू इनफिनिट सॉल्यूशंस। अगर एक लाइन, बिल्कुल एक लाइन, एक जैसे मैंने क्या देखा, एक मैंने एक लाइन स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए, और दूसरी जो लाइन की प्लॉटिंग की सेम एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर रही है, मतलब पहली वाली इक्वेशन की जो पॉइंट है दूसरी इक्वेशन भी उन्हीं पॉइंट से पास हो रही है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, अब देखो जब एक ही लाइन है, मैं इन पॉइंट से एक लाइन को पास कराऊं और दूसरी भी इसी के ऊपर ऐसे कर दूं, तो यहाँ पे तो इन दोनों के बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, यस और मैम, जितने भी इन दोनों के कॉमन पॉइंट है वो दोनों इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ यस पे तो मैम, मेरे पास और एक लाइन इनफाइनाइट सोल्यूशन इनफिनिट देगी। अब होती अच्छा है तो देखो जब एक के ऊपर एक लाइन हो गई केशव, तो इसका मतलब दो रह ही नहीं गया, इसका मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन हो गई, है ना? यस और एक मैम, सिंगल इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट इनफिनिट, सोल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यस मैम, ये भी कैसी हो गई, ये भी कंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट वन था, यहाँ तो बहुत सारे हैं, क्लियर यस मैम, ये चीज? यस मैम, हाँ तो ये हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन, ये जब कोइंसाइड करती इनफिनिट है लाइन तो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना?
अब अगर यस मैं मैम। इक्वेशन की बात करूं, देखो केशव जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में भी आपने पढ़ा था कि रूट्स वाला जो था ना, नेचर ऑफ रूट, पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने आपको बताया था, याद है? यस मैम। अच्छा एक चीज बता दो यहाँ पे, अगर मैं बीच में ही तुम्हें 1 मिनट के लिए पॉलिनोमियल का एक टॉपिक में तुमसे बस क्वेश्चन पूछ लूँ, पूछूँ या ना? नहीं पूछूँ? मैम वो था, आप ये पूछोगे ना कि अगर 0 हो, मतलब ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, ये अच्छा नहीं, वाला वो चीज तो दूसरी हो गई थी। हाँ वो भी था, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ का हमने बताया था, उसको यूज करके आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा होता है। था। यस मैम। हाँ पर अभी यहाँ पे ना मैं दूसरी चीज पूछने जा रही हूँ, ax2 + bx + c, फिर आपके पास इक्वेशन है ax2 - bx + c, एक इक्वेशन आपके ax2 - bx - c, एक है आपके पास ax2 - bx - c, ये तीन इक्वे चार इक्वेशन है केशव आपके पास। आप बस इतना बता दो किसमें अल्फा बीटा, आपका अल्फा बीटा का नेचर क्या होगा, मतलब अच्छा किसमें अच्छा दोनों पॉजिटिव रहेंगे, किसमें दोनों निगेटिव रहेंगे, अच्छा किसमें अच्छा एक। अच्छा हाँ ठीक बस याद है ना? है। यस मैम। जो फर्स्ट वाली है उसमें दोनों नेगेटिव होंगे, और करेक्ट? जो बीच वाली है उनमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों में ऐसे ही होएगा। नहीं सही। नहीं मतलब यही होता है ना कि मतलब उसको कट करनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव होएगा एक नेगेटिव होएगा। देख लो ऐसा होता ऐसा ही होता है, और क्या है। मुझे तो लग रहा दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो ये निगेटिव साइन केशव दिख रहा है तुम्हें, है यस ना? मैम। अब यहाँ पे तुम ऐड करके लाओगे ना, कोई भी नंबर लाना है जो भी, आप बी को स्प्लिट करोगे क्योंकि सी के पहले प्लस का साइन यस है ना, मैम। यस यानी मैम। तुम्हारे बीच में अल्फा बीटा प्लस होंगे, पर ये निगेटिव साइन अल्फा को भी निगेटिव कर देगा, बीटा को भी निगेटिव कर देगा। ओके तो फर्स्ट वाला फैक्टर जो x² के साथ रहेगा उसमें तो अल्फा निगेटिव आएगा, पर सेकेंड वाले में जब आप माइनस बीटा कॉमन करोगे ना, तो जो ये वाला फैक्टर है ये भी माइनस कॉमन करने से निगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास एक ये फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, दोनों ही कैसे होंगे, एक्स ओ माइनस अल्फा अच्छा और एक्स माइनस बीटा दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे। अच्छा तो और जब फिर नेक्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट वाले, हाँ इन दोनों में जो लास्ट वाले हैं इन दोनों में एक पॉजिटिव, अब ये कोई भी हो सकता है ना, यस मैम। यस ये कोई दोनों भी हो पॉजिटिव सकता है, होंगे। इसमें दोनों पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके केशव, तो अब देखो आगे, अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या बता रही थी मैं वैसे? हाँ ये ग्राफ्स अभी बता क्या रहे है, थे। कभी कभी जैसे पहले अभी तुमने इक्वेशंस को देख के ही बता दिया क्योंकि तुम्हारे पास माइंड में तुम्हें आइडिया है कि ऐसा क्यों होता है, सारा कुछ तुम्हें क्लियर है ना, तभी तुमने बस देख के बता दिया, सॉल्व करने की यस मैम। जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही क्या होता है अभी, बहुत देखो हमने कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की, कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो क्या हो रहा था, अगर हमें बताना था, हमें पहले ही रिजल्ट देखना था कि ये पैरेलल लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन है या कुछ है, तो उसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा था, पर हर बार ये ऐसा करें ये तो टाइम टेकिंग हो गया। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट सोल्यूशन क्या आया कि हम लोगों ने ना कुछ रेशियोज निकाले, कुछ रेशियोज थे जिनको देख के आप बता सकते हो कि आपकी इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसा है। अगर आपका पहले हमारी इक्वेशंस कैसी होती, a1x + b1y + c1 होता है इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी होती है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन हमें पैरेलल, मतलब हमें नो सॉल्यूशन देंगी, इनफिनिट सॉल्यूशन देंगी या वन सॉल्यूशन देंगी, ये हमें देख के कैसे पता चल जाएगा, अगर हमें एक रेशियो पता होगा। रेशियो क्या होता है, इफ a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो आपका कैसा सोल्यूशन होता है बेटा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब वन अपर सोल्यूशन, सॉल्यूशन।
और वन सॉल्यूशन कौन से टाइप की लाइंस देती है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट करती है ना। तो क्या पता चल गया, अगर आपने ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का रेशियो निकाला और वो दोनों इक्वल नहीं है, तो यू कैन से कि ये जो लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और इनका एक वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर सेकंड कंडीशन में ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो जाता है बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन यू कैन से दैट कि ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी नो और सॉल्यूशन, इनका इनकंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन होगा, है ना। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये अभी मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इनको भी हाँ प्रूफ करते हैं अभी एग्जांपल्स के। तो अब देखो, अगर ए एक वन और नॉट भी इक्वल टू बी इवन वन बी टू नॉट, अच्छा ऐसा सारे इक्वल रहेंगे तो इनफिनिट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मगर कोई इक्वल ही नहीं है तो कोई इक्वल ये हो तो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो अच्छा ओके। हाँ सी वन अपॉन सी टू, यहाँ फर्स्ट वाली कंडीशन में ए वन और बी वन अगर इक्वल नहीं है तो बस इतना ही है, फिर सी वन सी टू इक्वल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, अच्छा है ना। ठीक है ये ठीक फर्स्ट है। वाला हो गया वैसा। अब देखो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि जैसे कल की क्लास में एक बच्चे ने यही क्वेश्चन पूछा, मैम ऐसे कैसे रेशियो देख के आपने लिख दिया कि ये होता है वो होता है, मतलब पैरेलल हो गया यूनिक हो गया, है ना, कुछ तो रीजन यस होगा। मैम। तो हम एक कुछ इक्वेशन कंसीडर करते हैं जिनमें ऐसा ही रेशियो आ रहा होगा, लाइक हमने यहाँ पे लिखा 2x + 3y = 5 एंड x + 4y = 2, ये एक दो इक्वेशन हो गई। फिर मैंने लिखा 2x + 3y = 2 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख दिया 4x + 6y = आपका 3, ठीक है ऐसे लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद ये हाँ आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई और आपका एक लास्ट में दे दिया 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 10, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब देखो ये दो तीन मतलब तरीके की फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे थ्री टाइप्स की फर्स्ट इक्वेशन है, वाली वन सॉल्यूशन, सेकंड वाली नो सॉल्यूशन, थर्ड वाली इनफिनिट सॉल्यूशंस। पर ऐसा क्यों हुआ बेटा, ये तो आपने रेशियो से चेक कर लिया, पर मैं वही यस पूछ मैम। रही हूँ कि रेशियो में हमने ऐसा लिखा था, ऐसा क्यों लिखा था, है ना, ओके ये तो बताने की बात। अच्छा इन इक्वेशंस में ऐसा क्या हो गया, ये इक्वेशन क्यों, ये तीनों इक्वेशंस हमें सोल्यूशन नहीं दे रही है, सिर्फ यही क्यों दे रही है और लास्ट वाली इनफाइनाइट क्यों दे रही है, क्योंकि यस देखो मैम। आप देखो यहाँ पे बेटा जो फर्स्ट और पहले फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, लास्ट से शुरुआत करते हैं थर्ड वाले से। तो क्या है, थर्ड वाले को आप ध्यान से देखो बेटा, दोनों इक्वेशन एज इट इज सेम है। अगर मैं 2x + 3y - 5 = 0 लिखूं और इसे 4x + 6y - 10 = 0 और 2 कॉमन ले लूं, तो 2x + 3y - 5 = 0, ये 2 इधर 0 हो जाए तो दोनों इक्वेशंस कैसी हो गई, सेम हो गई। अब दोनों इक्वेशंस कहीं अलग है, नहीं ये तो एक सेम ही इक्वेशन है, और अब ये दो इक्वेशन नहीं हो गई, ये क्या बन गई, एक सिंगल इक्वेशन बन गई, है ना, सिंगल इक्वेशन हैव इनफाइनाइट इनफिनिट मैनी सा सॉल्यूशंस, ओके ओके। हाँ है ना, मैम, मैं इनफाइनाइट। जब आपने बताया ना ये वाला इनफिनिट वाला कि बोला आपने एक ही लाइन बन जाएगी, तो मैम मैंने हाँ सोचा कि फिर मैम एक ही वो होएगा, इसलिए एक ही लाइन बनी होगी। हाँ तो क्योंकि अब जब दोनों एक ही होंगे तो एक के ऊपर एक तो ऑब्वियसली लाइक, क्योंकि जो इसके पॉइंट आएंगे वही इसके पॉइंट आएंगे, आप यस कुछ मैम भी यस करो, मैम। है ना, भले ही आप अलग अलग पॉइंट रख के टेबल बना लो पर दोनों पास तो सेम ही जगह से होंगी ना, सेम उससे पास होंगी, समझ रहे हो, तो कोइंसाइड ही कोइंसाइड तो करेंगी ये लाइन, ये चीज समझ आ गई ओके क्वेश्चन। यस मैम। हाँ अब या यही चीज इन दोनों के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ यहाँ पे आपने देखा इन दोनों इक्वेशंस में ये दोनों इक्वेशंस तो अलग दिख रही थी हमें, तुमने कहा फिर ऐसा क्या हुआ कि अब ये अलग भी दिख रही है पर इन्होंने सोल्यूशन ही नहीं दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने एक बात नोटिस की कि आपका एक्स और वाई जो है दोनों में, मतलब जस्ट अगर मैंने एक्स को इक्वल किया तो वाई भी इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंस नहीं है,
अगर मैंने यहाँ पे x को, सपोज मैंने सोचा कि इसको मैं इलिमिनेट कर दूं और मल्टीप्लाई विद 2 कर दूं ऊपर इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ के साथ y भी इक्वल हो रहा है। तो अगर सोचो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये बन जाएगा 4x + 6y = 4, और ये नीचे भी सेम आपको ही दिख रही है। तो अगर मैं एक वेरिएबल को कैंसिल करने की सोचूं तो मेरे दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब जब वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो कांस्टेंट नंबर का क्या, हम क्या करेंगे, है ना? यस मैम, कोई जब वेरिएबल ही नहीं तो हम सोल्यूशन किसका निकालेंगे? नो वेरिएबल यस देन मैम, नो सोल्यूशन, है ना? अच्छा, ये सारी इक्वेशन का जो सारा कुछ डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड, इक्वेशन चेंज इक्वेशन के सॉल्यूशन किस चीज पर डिपेंड करते हैं? इनके कोफिशियंट पे डिपेंड कर रहा है ना केशव? यस मैम, वेरिएबल तो सिर्फ एक्स वाई ही है, पर सिर्फ कोफिशियंट के इक्वल और अनइक्वल होने से हमारा क्या हो रहा है, पूरी पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन ही चेंज हो रहा है। तभी जो रेशियो है, आपने रेशियो यहाँ पे लिखा, वो कोफिशियंट का रेशियो ही है, मतलब कोफिशियंट आपके इक्वेशन का सोल्यूशन चेंज कर रहे हैं, है ना? तो यस देखो मैम, यहाँ पे अगर ऐसा कभी केस आ जाता है कि आपका एक्स और वाई दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वेशन में इक्वल क्या मतलब, एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो दोनों ही इक्वल हुए जा रहे हैं, रेशियो इनका इक्वल आ रहा है, देन यू कैन से दैट कि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी पूरी तरह दोनों ही, तो कभी सोल्यूशन ही नहीं होगा कोई भी, है ना? यस ये चीज मैम, क्लियर आ गई, हो गई ना, समझ आ गया अभी कि यस ए वन मैम, अपॉन ए टू का रेशियो क्यों नहीं इक्वल होना चाहिए? क्योंकि जब रेशियो इक्वल हो जाएगा तब वेरिएबल भी सेम है दोनों, मतलब ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या रहा, थर्ड वाले में क्योंकि आपका 2x + 3y = 5 और x + 4y = 2 है, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के वेरिएबल बिल्कुल अलग अलग है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एक्स को अगर हम इक्वेट करेंगे तो वाई इक्वल नहीं होगा, है ना? तो अगर एक्स कैंसिल भी होगा तो कम से कम हमें वाई का तो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने पे। अगर मैंने नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी 2x + 8y = 4 बन जाएगी, तो अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5y = 1, यानी y = -1/5। अगर x कैंसिल भी हुआ तो हमें y का तो सोल्यूशन मिल गया ना, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इट मींस अगर दोनों में से दोनों के रेशियोज इक्वल नहीं है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का रेशियो, फर्स्ट और सेकंड में x का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो और b के y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर अनइक्वल है, देन वी कैन से दैट कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा ही इनका, ठीक है? यस पर मैम, अगर यस दोनों मैम, का रेशियो इक्वल आ जाता है तो दोनों वेरिएबल ही कैंसिल हो जाएंगे, तो वो नो सोल्यूशन होंगे, क्योंकि नो वेरिएबल नो सोल्यूशन। अब यस अगर मैम, दोनों के बिल्कुल इक्वल ही वैल्यूज हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्यों, क्योंकि वो दोनों एक ही इक्वेशन बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? बट मतलब अगर हम फर्स्ट थर्ड वाली क्वेश्चन लें और हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो, और फिर उसको एलिमिनेट करें तो हम वो भी कैंसिल हो जाएगी पूरी। कौन सी हम थर्ड वाली, लास्ट वाली है जो, लास्ट, ये वाली? यस मैम, मतलब उसमें दोनों इक्वल हैं और हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करें तो मैम वो भी तो कैंसिल, नहीं मैम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अच्छा परफेक्ट, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ पे क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है और सेम ही इक्वेशन को आप सेम ही इक्वेशन से करोगे तो पूरी कैंसिल हो जाएगी ना, जीरो आ जाएगा रिजल्ट। पैरेलल लाइंस में तो फिर भी कांस्टेंट बचेगा, इसमें तो वो भी नहीं बचेगा, इसमें तो पूरा यस जीरो हो जाएगा अच्छा, क्योंकि आपने सेम से ही सेम को कैंसिल कर दिया, है ना? वो ओके थी एक, है ना, समझ रहे हो ना? यस तो मैम, ऑब्वियसली पूरी वही हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सारा कांस्टेंट तक नहीं बचेगा, ठीक ओके है? तो इसका यही मतलब है कि ये दो इक्वेशन ना होके फिर ये एक ही इक्वेशन बन जाती है, और आपको पता है एक सिंगल इक्वेशन है, इनफाइनाइट यस मैनी मैम, यस सॉल्यूशन। यस मैम, अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैम उसमें मैम ग्राफ ड्रॉ करना है तो बताने कि मतलब कौन सा हुआ है। ग्राफ भी क्योंकि होगा, ग्राफ आपको बताना पड़ेगा कैसे करना, मुझे याद नहीं है।
कैसे तुम्हारा वो व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास होगा, तुम्हें एक क्वेश्चन की पिक सेंड कर, मतलब पिक्चर सेंड कर दो, तुम उसको देख के कर लो। ओके मैम। नहीं तो व्हाट्सएप पे तुम्हारे। यस मैम। ओके एक सेकंड मैम, 8920 वो वाला है जिस पे वो कौन सी सीनरी जैसी फोटो लगी है। यस मैम भाई। उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है फिर सिर्फ रेशियोज के बताने हैं। ग्राफ भी करना है शायद। हाँ फिर मुझे, हम याद नहीं कैसे बनाते हैं, बता दो आप। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ बस सॉल्यूशन उन इक्वेशंस का बस केवल वो निकाल लेना, सॉल्यूशन कैसा, अच्छा ओके मैम। अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर देना, ठीक है, ग्राफिकली मत करना। अच्छा केशव मैंने सेंड कर दिया, देखो तुम। हेलो केशव, मिल गई फोटो? नहीं मैम, आपने ये इस वाले नंबर पे कर दो, ये शायद आपने गलत नंबर दे दिया। मेरे पास नंबर नहीं है शायद। नंबर ये वाला है। बोलना। मैंने अच्छा टाइप तुमने, चार्ट में लिख दिया। अच्छा, यस मैम। हाँ मैंने सेंड कर दिया, देख लो तुम भी। वैसे अगर कुछ होता है आप इस पे ही कर दिया करो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो मैं क्लास के मतलब क्लास के टाइमिंग के हम कुछ क्लास से रिलेटेड होता था, हम इस पे सेंड कर दिया करो आप। अच्छा, ये ठीक है, मेरा देख लो। पर्सनल नंबर है तो मेरे पास रहता है। ओके ओके ओके
कैसा आर यू डूइंग? हेलो, यस क्या हो गया? मैम, यस मैम। अच्छा, मैम जो फिफ्थ क्वेश्चन है हाँ, यस। मैम, उसमें मतलब फाइव, उसने बोला फर्स्ट इक्वेशन बाय फाइव, तो मैम 5x होएगा या फिर 5a1x होएगा? 5x हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बाय 5, तो 5x बोथ साइड, देन द सॉल्यूशन ऑफ न्यू पेयर ऑफ टू ऑब्टेन। मैम 5a1x होएगा या फिर 5x लिख देंगे? एक सेकंड रुकना, मैं इक्वेशन पढ़ लूँ। इफ दिस एंड दिस, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स वाई सॉल्यूशन दे। हाँ, तो यहाँ पे तो अगर हम इन इक्वेशन को लिख रहे हैं तो 5a1a2 के साथ ही लेंगे। तो मतलब 5a1x प्लस 5b1y प्लस 5c ऐसे। हाँ, और हम सॉल्यूशन मतलब उसको पूरा मतलब सॉल्व करना है या फिर रेशियो वाला करना नहीं, फिर तुम्हें हाँ सॉल्व करना है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकली। है? नहीं यार, ये मतलब ये एक्स और वाई की क्या ये हाँ समझ नहीं आया मुझे। हाँ एक मैम, एक्स की वैल्यू थोड़ी है ये। नहीं, सॉल्यूशन यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन क्या है? रुको, आपका क्वेश्चन लिखा है, इफ ए वन एक्स प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर। x और y इसका सॉल्यूशन है। इफ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 5 ऑन बोथ साइड, देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन। तो कुछ नहीं, देखो, इन दोनों का अगर सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, इन दोनों का हमारा 5, इन दोनों का हमारा सॉल्यूशन एक्स और वाई आ रहा है। ठीक है, अगर हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो तब भी एक्स और वाई ही रहेगा। ये वैसे नहीं, एक पूरी साइड सेकेंड, पूरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक्स सॉल्यूशन का मतलब की दोनों को वैल्यू और सॉल्व वाई की करना, वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू एक्स और वाई ही है। एक्स और हाँ, वो तो उन्होंने लिख दिया, एक्स वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, समझ नहीं आया। अब देखो, जैसे मैंने तुमको ये बोला 2x+3y प्लस फोर इज इक्वल टू 0, और मैं तुमको बता दूं, बोल दूं, और तुम्हें मैं क्या दे दूं, 4x+6y +8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे दे दूं कि इन दोनों का वैसे तो ये नो सॉल्यूशन ही देंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x+y+3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का सॉल्यूशन कुछ पॉइंट आ रहा है 3, 4, एक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि सेकंड इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? तब भी इन दोनों को सॉल्व करने पे सॉल्यूशन यही रहेगा बेटा, क्योंकि आप ही सोचो, आप पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है तो ये अभी भी वही फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तब फिर भी वही इक्वेशन तो बची आपकी, सॉल्यूशन तो सेम ही आएंगे। आप चलो, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x+3y+4 इज इक्वल टू 0 एंड x+y+3 इज इक्वल टू 0, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x+3y+4 इज इक्वल टू 0 एंड देन फिर 2x+2y+6 इज इक्वल टू 0, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल y, और ये आपका आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर यस मैम, इसके बाद, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अगर आप पुट करोगे y 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5,
-5 है ना, यस मैम। -5 हो गया। अब इसके बाद देखो इसका सोल्यूशन इन दोनों का 2, -5 था। अब अगर मैं कहूँ नीचे वाली इक्वेशन इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन क्या आती है, 2x + 3y + 4 = 0 और x + y + 3 = 0। अगर हम मैं बोलूँ कि नीचे वाली इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपका सोल्यूशन क्या रहेगा करके देख लो। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x + 3y + 4 = 0 या 5 से कर लो, है ना, क्या 3x होएगा। हाँ, फिर आपने अगर यहाँ पे किया तो 3x, मैं बोल रही हूँ अगर 5 से भी करके अच्छा, देखती ऊपर तो वाली लिखी थी आपने। 3y और प्लस ये आपका 9 हो गया = 0, यहाँ से ये कैंसिल, -x = आपका आ जाएगा -5 और x = 5। ये देखो फिर वही एक्स, रुको, हाँ -5 आएगा क्योंकि इधर -x रहेगा। अब -5 वैसे पुट करोगे तो वाई फिर आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपका सोल्यूशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मतलब x, y का सॉल्यूशन x, y रहेगा। मैं वही कह रहा था मैं कि जो वो ये वाली जो है सर, सॉल्यूशन ही एक्स वाई का सॉल्यूशन ही एक्स वाई है। अभी समझ आ गया वैसे केशव? यस मैम। अच्छा ठीक है केशव, फिर मैं वर्कशीट शेयर कर दूंगी तुमसे और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अपनी बुक से ट्राई करना सॉल्व करने की, है ना। ओके मैम, हाँ ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं थर्सडे की क्लास में। ओके बाय।